न्यूज खबरें आपकी नजरिया हमारा। पंचायत चुनाव का मंच तैयार है और इस मंच से जीत का पंच कसने के लिए हर सियासी दल अपनी जीत की जोर आजमाइश में लगा हुआ है। इतनी बड़ी महामारी के बीच पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह। केटीएन खिलाफत न्यूज के इस खास कार्यक्रम जनता की राय में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद फतेहपुर के जहानाबाद विधानसभा के नारायणपुर मजरे कलाना ग्राम पंचायत में। बात करें यहाँ जिला पंचायत से निर्वाचन आयोग की तैयारी को, तो यहाँ बड़ी लापरवाही सामने आई है। आप देख सकते हैं किसी भी मतदान पक्ष के बाहर सैनिटाइजर की कोई भी व्यवस्था नहीं है। आइए यहाँ बात करते हैं लोगों से और जानते हैं कि किसकी होगी जीत, किसके सर सजेगा जीत का ताज या किसे मिलेगी हार। आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से। जी माता जी, आपका नाम? मैडम मोहनी सिंह। वोट डाल चुकी आप? हाँ, डाल चुकी हूँ। होने वाले प्रधान से आपको क्या उम्मीदें हैं? अब हम गरीब लोग को यही उम्मीद है कि अगर प्रधान पद से जो कोई भी आता है, अपना कॉलोनी नाली की व्यवस्था और खरंजे का व्यवस्था करा दे तो ज़्यादा अच्छा है। यही सब उम्मीदें लगाए बैठे हैं। विकास करें कोई कार, प्रधान पद से आ जाए, विकास करें। आपका नाम? वासुदेव सिंह। क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं, इसी प्रत्याशी हैं। जी प्रत्याशी हैं, तो पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं? पहली बार। कोरोना के खतरे के चलते प्रचार के समय आपको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा? पहला नंबर, यहाँ कोई सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं जी। दूसरा नंबर, भीड़ में कोई वो फैसला नहीं है। आपका नाम? विनय कुमार। जी, कोरोना के इतने बड़े खतरे के बीच सरकार जो चुनाव कर रही है, क्या लगता है सरकार का यह फैसला किस हद तक सही है? गलत है। जी गलत है जी। होने वाले प्रधान से आपको क्या उम्मीदें हैं? होने वाले प्रधान से यही उम्मीदें हैं कि गांव का विकास करे, स्वच्छता का ख्याल रखे, मेडिसिन के बारे में थोड़ा रखे, गाँव की साफ सफाई का ख्याल रखे, पानी बिजली हर समस्या का निवारण करे। गाँव के विकास के लिए होने वाले प्रधान से आपकी पहली मांग क्या है? पहली मांग तो हमारे गांव में जो कुछ रोड टूटी हुई है वो रोड बनना चाहिए, पता कि घर का पानी रोड में ना आए। हाँ, पैर से निकलने में बहुत परेशानी होती है। कोरोना को के संक्रमण को देखते हुए क्या कुछ खास निर्देशन दिए गए हैं प्रशासन की ओर से? मास्क और सैनिटाइजर लगाने हेतु सबको निर्देशित किया गया है और उचित दूरियाँ बना के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु सबको बताते हुए लाइनिंग लगाई जा रही है। सब लोग उसका पालन करते हुए वोट को अपने मतदान का प्रयोग करते हुए वोट को डाल रहे हैं। बाकी कोई समस्याएं नहीं है। सैनिटाइजर मास्क सभी लोग लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी सभी लोग पालन कर रहे हैं, उचित मतदान किया जा रहा है। वोटिंग के दौरान किसी तरह की अराजकता तो नहीं देखने को मिली सुबह से अभी तक? सवेरे से तो अभी तक तो नहीं, बड़ी शांति से वोट पड़ा। किसी परेशानी का सामना करना पड़ा? परेशानी नहीं, कुछ भी नहीं। क्या मांगे यहाँ पे? जितने अभी तक प्रधान बने इस ग्राम सभा में, कोई अपने कागज पे रहते हैं, जमीन स्तर पे कोई प्रधान आज तक कोई गांव का विकास या नाली या कोई खरंजा कायदे से काम हुआ ही नहीं है। यहाँ पे वादे बहुत करते हैं, जमीन स्तर पे एक पैसे का काम सही नहीं होता। जी, कोरोना के इतने बड़े खतरे के बीच सरकार ये जो चुनाव कर रही है, क्या ये सही है? चुनाव तो फिलहाल सही नहीं है, इसको देखते हुए यहाँ पे इतनी महामारी चल रही है जो कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पे कोरोना में इतना महामारी मची है। कृपया यहाँ पे हम कहना चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे लोग तो ज़्यादा उचित होगा। यहाँ पे आप कोरोना से बच भी सकते हो और दूसरे भी सुरक्षित रह सकते हैं। इसमें हमारे साथ मौजूद है प्रधान पद की उम्मीदवार डॉक्टर सुशीला जी। सुशीला जी, पहली बार आप चुनाव लड़ रही हैं? जी हाँ, पहली बार लड़ रही हूँ। अगर जनता प्रधान पद के लिए आपको चुनती है तो आप उनकी उम्मीदों पर किस तरह से खरी उतरेंगी? आप युवा पीढ़ी है, आपने गांव के विकास के लिए क्या कुछ खास सोच रखा है? जी हाँ जी हाँ, गांव के विकास के लिए जैसे शिक्षा है, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे अभाव है, वो सारी चीज़ें पूरी की जाएंगी। कोरोना के चलते प्रचार के समय आपको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा? बहुत सारी मुसीबतें हैं, मास्क लगाना, हाथ सैनिटाइज करना, इस टाइप से बहुत सारी। ये तो थी जनता की राय। अब आपको ले चलते हैं वोटिंग प्रतिशत की ओर। आपको बता दें कि कोरोना के खौफ के बीच दूसरे चरण के मतदान में 71% से ज़्यादा मतदान हुआ था। अब देखने वाली बात यह होगी कि तीसरे चरण के मतदान में क्या वोटिंग प्रतिशत में कमी देखी जाएगी या इसमें कुछ
बढ़ावा देखा जाएगा। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए अंकिता सिंह को इजाजत। नमस्कार।